गाइस आप लोग का पिंग तो अच्छा चलता है, लेकिन आप लोग को पिंग हाई का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे गाइस इधर से देख सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए कोई भी गान उठाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, गान तो उठ जा रहा है लेकिन बहुत लेट हो रहा है। मतलब गाइस जैसा कि गाइस मैं टैप कर रहा हूँ बार बार, देन बहुत टाइम के बाद गान जैसे ग्लोअल जो कि लूट वगैरह उठ रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम आप लोग के साथ हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ आप लोग क्या करना है, एंड गाइस उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम को आप लोग फिक्स कर सकते हो। तो इसलिए गाइस वीडियो को जरूर पूरा देखना, एंड ये देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यूजर नेम है pgkamarpjuice। आप लोग चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। एंड गाइस बेसिकली गाइस ये जो प्रॉब्लम होता है दो कारण की वजह से होता है, पहला है फोन का ग्लिच होता है, देन दूसरा है गेम का ग्लिच होता है। तो जो दोनों ग्लिच को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो, आप लोग को कैसे पता लगेगा जो कौन सा ग्लिच है, तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आप लोग को चेक करना होगा और गाइस ऐसे आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है गेम के अंदर तो आप लोग सिंपल सा क्या करना, तो सिंपल सा गाइस गेम को पूरा कट कर लेना, मिनिमाइज कर देना गेम को, रिफ्रेश कर देना जो कि पूरा गेम को उड़ा देना, देन गाइस दोबारा गेम को ओपन करना, देन गाइस देखना क्या सेम आप लोग के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो आप लोग का फोन का प्रॉब्लम है, तो ये आप लोग को समझ लेना चाहिए। तो गाइस फोन का प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फोन का प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप लोग को फोन का होम स्क्रीन पे जाना होगा, देन मैं आप लोग को समझा देता हूँ क्या कुछ करना होगा। आ चुका फोन का होम स्क्रीन पे, देन मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आप लोग को करना क्या होगा। सबसे पहले जो फोन का जो आप लोग को सेटिंग होता है जो कि उसको सिंपल से आप लोग को ओपन करना होगा। फोन का सेटिंग को ओपन करने में कुछ इस तरह से आप लोग को फोन में डिफरेंट टाइप का सेटिंग दिखने को मिलेगा, तो आप लोग को नीचे में स्क्रॉल डाउन करके जाना होगा। नीचे में जाने के बाद आप लोग को एप्स एंड एप्स मैनेजर, एप्स मैनेजमेंट कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मेरा देख सकते हो एप्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग और भी दूसरे तरीका मैं दिखा दूंगा कैसे आप लोग ढूंढ सकते हो इस एप्लीकेशन को, इसके अंदर क्या कुछ होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखो, तो सिंपल से एप्स के ऊपर आप लोग को क्लिक करना होगा। तो एप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से थोड़ा सा आप लोग को लोडिंग देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बहुत टाइम का लोडिंग होता भी है काफी फोन के अंदर। तो देन लोडिंग देखने को मिलेगा, देन आप लोग को सर्च बार देखने को मिलेगा। जैसे गाइस मैं आप लोग एरो करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो ऊपर में सर्च बार है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, देन इधर से फ्री फायर सर्च कर लेना, ठीक है। तो फ्री फायर मैक्स आ जाएगा, जो भी इंस्टॉल है आप लोग कमेंट करके बताना। हाँ गाइस और एक बात, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग नॉर्मल वाला फ्री फायर खेलते हो या फ्री फायर मैक्स इंस्टॉल करके खेलते हो। तो इसके अंदर आने के बाद आप लोग को मोबाइल डेटा के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मोबाइल डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर से देख सकते हो अलाउड जो बैकग्राउंड डेटा है, जैसे इसको आप लोग सिंपल सा अगर ऑफ हो जाता है तो इसको आप लोग को ऑन कर लेना होगा। तो ऑन करने के बाद इधर से सिंपल सा बैक आना होगा, बैक आने के बाद परमिशन के अंदर आप लोग को जाना होगा। तो परमिशन के अंदर जाने के बाद आप लोग जो परमिशन है जो कि स्टोरेज करके ऑप्शन रखने को मिलेगा उसको आप लोग को अलाउ करना होगा। देन गाइस इधर से बैक आना होगा, बैक आने के बाद आप लोग को उसके बाद स्टोरेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। स्टोरेज के ऊपर क्लिक करने में इधर से क्लियर कैच ऑप्शन आएगा, तो क्लियर कैच ऊपर क्लिक कर देना होगा। देन गाइस सिंपल से इधर से बैक आ जाना होगा। तो इधर से आप लोग सेटिंग के अंदर नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या करना होगा, मैं दूसरा तरीका दिखा देता हूँ। सिंपल सा बैक आ जाता हूँ, देन गाइस आप लोग दिखा देता हूँ, देख सकते हो मैं सेटिंग के अंदर सिंपल से आ जाता हूँ। तो आने के बाद इधर से सर्च बार देखने को मिलेगा मेन वाला सेटिंग के अंदर, देन गाइस सर्च बार के ऊपर आप लोग क्लिक कर देना, इधर से आप लोग फ्री फायर को सर्च करके ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप आप लोग को इस तरीके से करना होगा, देन आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ क्या करना होगा। तो जैसे देखो फ्री फायर से थोड़ा सा लोडिंग लेगा मेरे भाई, तो सर्च करने के बाद देख सकते हो फ्री फायर मैक्स आ चुका है, ठीक है। तो दूसरा जो तरीका है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो सिंपल से आप लोग को फोन का होम स्क्रीन पे आना होगा। फोन का होम स्क्रीन पे आने के बाद फोन का सेटिंग को दोबारा आप लोग ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद फोन के अंदर आप लोग को सर्च बार देखने को मिलेगा, सर्च बार के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना होगा, सेटिंग के अंदर सर्च बार होगा। देन गाइस सीधा से सिंपल सा DNS सर्च कर लेना, DNS सर्च करोगे तो आप लोग के सामने DNS आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का प्राइवेट DNS का ऑप्शन आएगा, तो काफी फोन में DNS प्रोवाइडर का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, तो प्राइवेट DNS के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर इस तरह से नहीं मिला इसका भी दूसरा तरीका मैं दिखाऊंगा। तो उसके बाद क्या करना होगा, प्राइवेट DNS के ऊपर क्लिक कर देना होगा। देन गाइस आप लोग को लास्ट वाला ऑप्शन देख सकते हो, प्राइवेट DNS प्रोवाइडर हॉट्स नेम के ऊपर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद इधर से मैं जो लिख के रखा हूँ देख सकते हो dns.google.com, इसको आप लोग लिखना होगा। देन आप लोग को सेव बटन पे क्लिक करना होगा, तो उसके बाद DNS सेव हो जाएगा। देन गाइस आप लोग इधर से मिनिमाइज कर देना होगा, आप लोग को गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोग इधर से DNS सर्च करना होगा। तो अगर आप लोग को फोन के अंदर DNS नहीं मिल रहा है तो ये देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन है DNS Engine, इसको इंस्टॉल कर लेना। देन कैसे कनेक्ट किया जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना के रखा हूं, तो आप लोग देख लेना वीडियो को। देन गाइस आप लोग क्या करना, फोन का होम स्क्रीन पे फिर से आ जाना। देन गाइस आप लोग फोन का पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना। देन गाइस आप लोग सामने रिस्टार्ट या रिबूट का दोनों में से ऑप्शन आएगा, काफी फोन में रिस्टार्ट का ऑप्शन आता है, काफी फोन में रिबूट का ऑप्शन आता है। तो घबराओ मत, इसके ऊपर क्लिक कर देना, जो कि रिस्टार्ट या रिबूट का कोई सा भी ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होगा, ऑटोमेटिकली फोन ऑन हो जाएगा। देन गाइस आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप लोग को डेटा वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं होगा।
होगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। अगर फिक्स हो जाते तो कमेंट करके बताना, मुझे आप लोग को काफी कमेंट का जरूरत है क्योंकि मुझे भी जानना है जो कि आप लोग प्रॉब्लम फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक गाइस टेक केयर, बाय बाय।